हम आपको आज बताएंगे कि वॉलपेपर के लिए लिक्विड कैसे तैयार करते हैं। ये देखिए, हमने ये पाउडर डाला इसमें पानी में, ये दो रोल के लिए लिक्विड तैयार कर रहे हैं हम, और ये हम धीरे धीरे इसमें पाउडर डालेंगे और चलाते रहना है ऐसे, क्योंकि अगर हम इसे चलाएंगे नहीं, एकदम पाउडर डालेंगे तो इसमें रोल ही पड़ जाती है, गुड़ियाँ सी पड़ जाएंगी, जिससे वॉलपेपर में फिनिशिंग नहीं आती है। अब हम इसे चलाते रहेंगे, फिर अब हम ये लेंगे फेविकॉल, और फेविकॉल को दो रोल के हिसाब से करीब 100 ग्राम करीब हमें डालना है। ये देखिए, हमने 50 ग्राम फेविकॉल करीब हमने डाल दिया है, और 50 ग्राम फेविकॉल और इसमें मिलाएंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारा फेविकॉल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, और हमें इसे चलाना है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से चलाते रहना है। और थोड़ा फेविकॉल हमने और डाला, ये हमने हमारा 100 ग्राम फेविकॉल करीब इसमें डल चुका है। अब देखिए, अभी थोड़ा पतला है ये लिक्विड, डालेंगे इसमें और पाउडर जो है हमारा और डालेंगे इसमें थोड़ा सा। ये देखिए, हमने पाउडर और डाला, थोड़ा लिक्विड पतला था इसलिए हमने पाउडर और डाला है, क्योंकि लिक्विड भी सही होना चाहिए मीडियम। अब ये काफ़ी अच्छा हो चुका है, देखिए थोड़ा महसूस हो रहा है हाथ में, हाँ सही हो चुका है। और ये हमने दीवार का साइज लेके वॉलपेपर की कटिंग कर ली है, अब हम इस पर लिक्विड लगा रहे हैं रोलर से लिक्विड लगा रहे हैं। देखिए, ये हमने इस पर रोलर से लिक्विड लगा रहे हैं, और अब हम वही लिक्विड रोलर से दीवार पर लाएंगे। ये पूरी दीवार पे एक पीस के हिसाब से लगाना है, पर पीस लगाना है, क्योंकि एक एक पीस करके ही चिपकाना पड़ेगा उसे। अब हम जिस वॉल पेपर के पीस पे हमने लिक्विड लगाया था उसे दीवार के लिए चिपकाने के लिए रेडी कर दिया है, अभी हम उस पर वॉल पे चिपकाएंगे।
देखिए ये दीवार पर वॉलपेपर लग चुका है, कितनी सुंदर लग रही है ये दीवार। देखिए पूरी दीवार पर वॉलपेपर लग चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी वीडियो आपको देखने को मिलें।